और टैक्टिकल असेट एलोकेशन। असेट एलोकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन और दूसरा होता है टैक्टिकल असेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन नाम में ही अपने आप में पता चलता है कि कुछ तो भी स्ट्रेटेजी बना के असेट एलोकेशन प्लान किया जाता है। फंड मैनेजर ये इस तरह का असेट एलोकेशन करते वक्त में बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइलिंग एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं थ्रू आउट द लाइफ और टिल द टाइम गोल इज अचीव्ड। इसी स्ट्रेटेजी को एग्जाम्पल, अगर फंड मैनेजर ने तय किया है कि 60% इक्विटी में, 60% पोर्टफोलियो का 60% इक्विटी में जाना चाहिए, 40% डेट में जाना चाहिए और इस हिसाब से 10 साल में अपना गोल अचीव हो जाएगा, तो फंड मैनेजर चेंज नहीं करेगा इस स्ट्रेटजी को, ये चलने देगा क्योंकि ये स्ट्रेटजिक असेट एलोकेशन है। इसके उल्टा टैक्टिकल असेट एलोकेशन, टैक्टिकल असेट एलोकेशन में क्या होता है कि अगर फंड मैनेजर ने ये 60 इक्विटी और 40 डेट का स्ट्रेटजी बनाया हुआ है बट वो टैक्टिकल असेट एलोकेशन किया हुआ है, तो फंड मैनेजर क्या करता है, अगर समझ लेते हैं कि अभी रुपी बहुत डेप्रिशिएट हो रहा है तो रुपी डेप्रिसिएशन के कारण आईटी कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, उनका शेयर बहुत बढ़ रहा है, उनका प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, अगर स्ट्रेटेजिक होगा तो कुछ भी नहीं करेगा, बट टैक्टिकल असेट एलोकेशन वाला फंड मैनेजर होगा तो टैक्टिकली क्या करेगा, वो जो 60 इक्विटी है उसमें सिर्फ 10% ही आईटी कंपनीज का वेटेज है, तो ये क्या करेगा, 60% में और 20% पैसा, मतलब टोटल 30% पैसा आईटी में लगा देगा, तो 10% पहले का आईटी और 20% और आईटी, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए, इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से ज़्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करेगा, करता है टैक्टिकल असेट एलोकेशन में। बट टैक्टिकल असेट एलोकेशन रिस्की होता है क्योंकि अगर इन फंड मैनेजर ने सोचा कि हाँ चलो ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा बट अगर नहीं आया ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन कम रिस्की होता है और जो एवरेज इन्वेस्टर होते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन अच्छा रहता है। बट टैक्टिकल असेट एलोकेशन जो लोग एक्चुअली बेनिफिट उठाना पाते हैं, उठाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए टैक्टिकल असेट एलोकेशन अच्छा होता है। टैक्टिकल असेट एलोकेशन वही लोग कर सकते हैं जिनके पास में सरप्लस मनी ज़्यादा, एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वही लोग टैक्टिकल असेट एलोकेशन करते हैं।